Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं स्पेस जगत की दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन इसरो की कहानी केरला में एक छोटे से गांव के चर्च से शुरू होती है। कैसे बना इसरो और कैसे किया भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए देखते रहिए एपिकपीडिया का ये वीडियो। नाइनटीन से कई वैज्ञानिक भारत में स्पेस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इनमें प्रमुख थे एस के मित्रा, मेघनाथ साहा और सीवी रमन। हालांकि पहली बार भारत में ऑर्गेनाइज स्पेस रिसर्च का नेतृत्व दो वैज्ञानिकों ने किया, डॉक्टर होमी भाभा जो फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से जाने जाते हैं, और डॉक्टर विक्रम साराभाई जिन्होंने 1947 में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की अहमदाबाद गुजरात में स्थापना की। साराभाई का सपना था भारत के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जिससे वो उसका उपयोग देश हित में कर सके, और उनके सपने को इंस्पिरेशन मिली जब 1957 में रशिया ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। भारत जैसे एक उभरते देश के लिए महंगी स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप करना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज के बावजूद भारत को स्पेस एज का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा ने प्राइम मिनिस्टर नेहरू से मिलकर उन्हें स्पेस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया। तब जाकर 1962 में डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार की स्थापना हुई। डॉक्टर साराभाई के एफर्ट से नासा ने भारत को अपना रॉकेट नाइकी अपाचे देने का अग्रीमेंट साइन किया। अब इनकोस्पार का ऑब्जेक्टिव था इस रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च करना, पर इसके लिए उन्हें चाहिए था एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। लॉन्चिंग स्टेशन की खोज में डॉक्टर साराभाई देश के अनेक लोकेशन स्काउट करते करते तिरुवनंतपुरम केरला के एक छोटे से मछुआरों के गांव थुम्बा पहुंचे। वहां मेरी मगदलीन के चर्च में उन्होंने अपने कंपस में देखा कि सुई ना तो नॉर्थ की तरफ थी ना साउथ, यानी ये चर्च मैग्नेटिक इक्वेटर पर स्थित था और गांव जियोग्राफिक इक्वेटर के करीब भी था। उन्हें पता था कि रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन जितना अर्थ के जियोमेट्रिक इक्वेटर के करीब होता है, रॉकेट को लॉन्च में प्लैनेटरी स्पिन से स्पीड बूस्ट मिलता है, यानी ये जगह लॉन्चिंग स्टेशन के लिए परफेक्ट थी। जब डॉक्टर साराभाई और उनके साथी साइंटिस्ट चर्च के बिशप से जमीन खरीदने की बात करने पहुंचे, तब रेवरेंड पीटर परेरा मुस्कुराए और सबको चर्च के संडे मास पर इनवाइट किया। मास में बिशप ने गांव वालों के सामने डॉक्टर साराभाई का सवाल कुछ इस प्रकार रखा, माय चिल्ड्रन, आज हमारे बीच एक मशहूर साइंटिस्ट आए हैं जो स्पेस साइंस और रिसर्च के लिए हमारे चर्च और गांव हमसे मांग रहे हैं। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही इंसान की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते हैं। साइंस हमारी जिंदगी सुधारने की कोशिश करता है और स्पिरिचुअलिटी हमारा माइंड, यानी विक्रम और मैं दोनों सेम काम करते हैं। तो बताइए, क्या हम ईश्वर का ये घर इस साइंटिफिक मिशन के लिए दान कर दें? बिशप के शब्दों को सुन गांव वालों ने परमिशन दे दी और केवल 100 दिनों में गांव रीलोकेट हो गया। उसी चर्च में रॉकेट डिजाइन और असेंबली सेंटर बना। बिशप के घर में बनी स्पेस इंजीनियरिंग वर्कशॉप और चर्च की गौशाला में खुली स्पेस लेबोरेटरी, और वो गांव बना थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। जब नासा के रॉकेट को लॉन्च प्लेटफॉर्म तक लाया गया तो सबने देखा एक अद्भुत दृश्य। हमारे साइंटिस्ट्स रॉकेट पार्ट्स को साइकिल पर चढ़ाकर ला रहे थे। सब ठीक चल रहा था कि अचानक रॉकेट को असेंबल कर लॉन्चर पर सेट करते हुए हाइड्रोलिक क्रेन लीक करने लगी। किसी तरह जब साइंटिस्ट्स रॉकेट को मैन्युअली पोजीशन में लाए तो उन्होंने देखा कि रिमोट लॉन्च सिस्टम भी मैलफंक्शन है। ये मैलफंक्शन ठीक करते करते शाम हो गई और आखिरकार लॉन्च का समय आ गया। पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी थी। 21 नवंबर 1963 के ठीक शाम 6:25 पर लॉन्च काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1.
सूरज की ढलती किरणों के तले भारत ने पहला रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च किया और अंतरिक्ष में रखा अपना पहला कदम। देश के 22वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर 15 अगस्त 1969 में इनको स्पार्क को मिला नया रूप और जन्म हुआ इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी अनोखी ऑर्गेनाइजेशन जिसने चांद पर चंद्रयान भेज सबसे पहले पानी भी खोजा और मंगल पर मंगलयान भेज बनाया भारत को स्पेस जगत का सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी।